Hello everyone, welcome back to Auto Academy YouTube channel. So here we are with one more topic in our Polity Bite series. So आज का जो हमारा topic है वो है हमारे लक्ष्मी कांत का सबसे lengthiest chapter. इस chapter को पढ़ने से पहले हम दो बार जरूर सोचते कि यार इसको cover कैसे करेंगे? Because you have many facts in this. So the chapter is Parliament. So आज से जो हम अब start करेंगे that we that is the Parliament. तो इसको अब हम पढ़ेंगे breaks में not in the one complete session but we will complete into In the different sessions, okay. So, to download the uh, PDF of this particular lecture, you can subscribe to our O2IS Academy telegram channel. Plus, you can also download our O2IS Academy app in which you will get the, all the PDFs of the Polity Bytes series. Plus, you will also get the other study material for other subjects. Okay. So now it's a parliament. We have completed with the state executive. इसका रीजन ये था कि अभी आपको इंडिविजुअली सब पोजिशन का पता लग चुका है कि हमारे प्रेसिडेंट का फंक्शन क्या है प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन क्या है हमारे कैक का फंक्शन क्या है गवर्नर का फंक्शन क्या है नाउ वी विल स्टडी नाउ पार्लियामेंट इसको वैसे पहले करना था बट द थिंग इज नाउ यूर क्लियर विद इंडिविजुअल फंक्शन अब जब आप पार्लियामेंट करेंगे सो हमने इंडिविजुअल पार्ट्स खत्म कर लिए नाउ वी विल स्टडी द होल स्ट्रक्चर जो फंक्शन करता है फाइन कैसे उसकी कंपोजिशंस है कैसा उसको डिवाइड किया गया है सो ये सब चीज़ें अब हम कंप्लीट करेंगे सो नाउ दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज पार्लियामेंट इसको हम करेंगे कंप्लीट पार्ट्स में जैसे कि नाउ टूडे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल कंप्लीट द टू पार्ट्स एट द लोकसभा एंड राज्यसभा बिकॉज उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि कैसे आपके मेंबर्स बनना है क्या उनकी पावर्स है क्या उनका कंपोजिशन है ओके okay? दीज आर द वेरी स्मॉल फैक्ट्स लोकसभा है राज्यसभा ही तो हम सबको पता है बट द थिंग देर मेरी फैक्ट्स इन द नेक्स सेशन वी विल कंप्लीट द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट दैन मोशन इन द पार्लियामेंट बिकॉज दीज ऑल आर टर्म्स जैसे कि मैं कुछ टर्म्स बताते हैं प्रोटर्म स्पीकर एक टर्म है लेम डक सेन एक टर्म है तो ये सब चीजें ये जो टर्म्स हैं दिस आर ऑल इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच वी विल कम्प्लीट एन दाट्स आज का जो लेक्चर होगा दैट इज़ कंप्लीटली ऑन द लोकसभा एंड राज्यसभा कैसे उसके मेंबर्स बनते हैं क्या उसका कंपोजिशन है कब इसको बनाया गया था कब इसको ऑप्ट किया गया था वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन लोकसभा राज्यसभा एंड द अमेरिकन वाला पार्ट में ठीक है ब्रिटेन से क्या डिफरेंस है सो दैट ऑल वी विल कंप्लीट इन टूडेज लेक्चर देन इन अपकमिंग सेशन वी विल कंप्लीट द सेशंस देन द मोशंस देन द वे ऑफ द पासिंग द बिल्स मैंने आपको पहले भी कहा था कि आई मेक वन सेपरेट वीडियो ऑन द बिल्स की फाइनेंशियल बिल किसको बोलते हैं मनी बिल किसको बोलते हैं फाइनेंशियल बिल के भी आगे टू पार्ट आते हैं हाउ दे आर पासड प्लस बजट बजट का भी एक प्रोसीजर होता है पास करने का सो विल कंप्लीट इन Uh, एक छोटा छोटा पार्ट्स में बट वी विल कंप्लीट द होल पर्टिकुलर पार्लियामेंट चैप्टर ताकि जब आप एक बार इन सब सेशंस को देख लें सो so यू आपको इसके बाद कभी लक्ष्मीकांत खोल के पार्लियामेंट को uh, पढ़ने के लिए आपको डर ना लगे ओके okay? सो so, पहली चीज है कि ये पार्लियामेंट है क्या वट इज पार्लियामेंट सो बेसिकली पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गेन्स जब भी मैं आपको एक सेकेंड जब भी हम जब हमने शेड्यूल्स किया था ठीक है तो जब मैंने आपको कहा था आप इसको याद कैसे करेंगे सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू की दट इट शुड बी लेजिस्लेटिव जुडिशरी तो so, हमने एग्जीटिव पढ़ा जो हमने पढ़ा यूनियन एक्जीक्यूटिव स्टेटी द प्रेजिडेंट वेन यूज मिनिस्टर वैनिंग द आई थिंक अभी तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वट इज द पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीटिव एंड वट आर दार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव ओके सो यह पर्टिकुलर चीज हमने कंप्लीट कर लिया सो वेन इट कम्स टू द जुडिशरी इट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट मेन आकोर्ट क्योंकि अगर हम यूनियन पे सेंटर पे बात करेंट फंक्शन सुप्रीम कोर्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूनियन और स्टेट के रिस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं तो uh, यहां पे क्या आएगा Judiciary में इट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हायर कोर्ट सो अब हमारा बच्चा ऑर्गेन uh, के अंडर कौन आता है तो लेजिस्लेटिव जो हमारा ऑर्गेन है दैट इज आर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ओके सो दिस इज गिवेन इट ऑक्यूपाइज द प्री एम एंड द सेंट्रल पोजिशन ठीक है इसको हम बोलते सेंट्रल पोजिशन हम बोलेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम पता कर रहे हैं तो उसका जो हमारा सेंटर है दैट इज आर पार्लियामेंट चाहे एग्जीक्यूटिव है चाहे हमारी जुडिशरी है ऑल जुडिशरी फाइन जुडिशरी को अपराध बिकॉज इट इज़ अ इंडिपेंडेंट ऑर्गन लेकिन जो हमारा एग्जीक्यूटिव है ये आपने अभी तक देखा है कि हाउ इट फंक्शंस कहीं ना कहीं दिस रिवॉल्व अराउंड था हमारा लेजिसलेटिव ही बिकॉज एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की भी पावर कहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास कैसे आ जाती है किसके पास आ जाती है हमारे पार्लियामेंट के पास ही जैसे कि जब हमने प्रेजिडेंट किया था सूबिया कि अगर प्रेसिडेंट कुछ भी अगर प्रेसिडेंट को कंट्रोल करने की पावर ना होती तो वो भी एक डिक्टेटरशिप हो जाती सो हु कंट्रोल्स तो हम पार्लियामेंट को पावर दी गई इम्पीचमेंट की ऐसे ही हर एक एग्जीक्यूटिव का कहीं ना कहीं जो लिंक है उसकी जो कंट्रोल है वो किसके पास है हमारी पार्लियामेंट के पास लेकिन पार्लियामेंट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वास्ट है लोकसभा है राज्यसभा है इनमें बिल्स पास करने की हर एक चीज़ की बिकॉज uh, जब हमने कंप्लीट किया था सो वी हैव स्टडीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज ठीक है कि लोकसभा में इतनी मेजॉरिटी चाहिए राज्यसभा में इतनी मेजॉरिटी चाहिए सो इट इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस अपने आप में ही तो पार्लियामेंट अपने आप में ही बहुत लेंदी प्रोसेस है ओके okay? सो so, अब कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमारे पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं सो सो इट इट इज इज फ्रॉम आर्टिकल 79 टू लेकिन जब पार्लियामेंट की बात आती है अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो अब सेवेंटी से लेकर वन तक आपको सारे याद नहीं करने हैं कुछ आर्टिकल्स हम अभी देखेंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड में प्लस कुछ जो बाकी आर्टिकल्स है फ्लो जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो रिस्पेक्टिव टॉपिक के साथ हम आपको आर्टिकल बताएंगे ओके सो दिस इज दिन आर्टिकल सेवेंटी नाइन से लेके में आपका एप्लीकेबल है नेक्स्ट इज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हमारे कंडक्ट हुए थे दैट वर इन इन द द 1951 टू 52 एंड फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट केम एग्जिस्ट अप्रैल 1952 ये छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं जो कभी कभी आपको पूछे भी जा सकते हैं नॉट एन यू बी बट इन द जब स्टेट ऑफिस के लिए आप पढ़ते हैं तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपको कभी काम आ जाते हैं ओके okay? सो so, अब हम किस को फॉलो करें दैट इज आर ब्रिटिश पैटर्न फॉर द पार्लियामेंट ना अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इन आर्टिकल्स को हमने बोला कि 79 से लेकर 122 तक हमारे पास आर्टिकल्स हैं सो लेट्स सी पहला आर्टिकल जो है 79 मैं आपको जब भी इससे पहले जब हमने एग्जीक्यूटिव किया जब हमने हर एक ऑफिस को पढ़ा सो वी हैव सीन कि हर एक ऑफिस के साथ एक आर्टिकल एसोसिएटेड है जो उसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं सो इट कम्स टू द पार्लियामेंट तो हमारा जो आर्टिकल आर्टिकल है है दैट इज ये बोलता है कि देयर शैल और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं तो शैल शेल की होगा ही होगा वी पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट एंड टू हाउसेज टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल ठीक है अब इसको जब हम आगे देखेंगे तो हम देखेंगे वेन ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है और हाउस ऑफ द पीपल है ये वर्डिंग कब चेंज हुई थी ये चेंज हुई थी हमारी 1954 में ओके okay? सो दट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दर्दर्स ओके सो आर्टिकलिशमेंट होगा एटी हमारा बात करता है राज्यसभा की जो कंपोजिशन है वो कितनी होगी आई थिंक अभी तो आपको एक चीज याद आनी चाहिए दैट इज द एक हमारा शेड्यूल था दट इज शेड्यूल नंबर फोर दैट वॉज एसोसिएटेड विद आर राज्यसभा क्या था उसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स ओके तो एलोकेशन ऑफ सीज में कैसे होती है वो अभी हम पढ़ेंगे बाद में ओके सो आर्टिकल नंबर एटी वन इज द कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल दैट इज आर लोकसभा ओके एटी टू बात करता है री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसिस तो सेटिंग अप ऑफ अ डीलिमिटेशन कमीशन इसके ऊपर हम बात करेंगे एंड में ओके okay,

इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या हुआ कि ही कम्स अंडर द पार्लियामेंट लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होंगे अभी किस चीज के लिए मेंटेन किया गया है दैट यू कैन से फॉर द फेडरल ठीक है जो एक आ, किसी के लिए बायस ना हो ठीक है अगर जिस हाउस के वो मेंबर होंगे अगर प्रेसिडेंट को एक मेंबर बना दिया जाएगा बार बार हम बोलते हैं कि जो आपको अपॉइंट करता है जहां से आपका मेंबर होंगे अब उसके लिए ट्रुथफुल होंगे तो आप उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी में रखेंगे सो हेर इज द थिंग कि प्रेजिडेंट जो हमारे हैं वो पार्लियामेंट का तो पार्ट है बट ही इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एनी हाउस ही शुड बी क्वालिफाइड जब हमने प्रेजिडेंट किया था सो हमने क्वालिफिकेशन पढ़ी थी सो अभी तक दिस नाउ द थिंग्स विल गेटिंग रिपीट हुआ अगेन एंड अगेन तो अब जो होगा ना नाउ यू हैव टू रिवाइज थिंग अभी जब हमने हमने प्रेसिडेंट की की बात की, हमने कहा कि दोनों हाउसेस के वो मेंबर नहीं होंगे सो so तक आपके माइंड में ये रिवाइज आना चाहिए कि अगर मेंबर नहीं है तो क्या कोई एक क्वालिफिकेशन थी प्रेसिडेंट के साथ जो उनको क्वालिफाई करनी थी प्रेसिडेंट बनने के लिए जो हाउसेस के साथ एसोसिएटेड होगी सो इन दिस वे योर प्रिपरेशन विल गो मतलब हैंड एंड क्या अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो दूसरा आपका रिविजन में आएगा ओके okay?

ओके ब्रिटेन एंड इंडिया अमेरिकन प्रेजिडेंट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर सो दीज आर जस्ट अ पार्ट कभी कभी डिफ्रेंसिएशन में आपको चीजें आ जाती है सो दिस इज द थिंग कि हाँ जो अमेरिकन के प्रेजिडेंट है ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियमेंट के पार्ट नहीं बोल सकते हैं सो अगर लोकसभा और राज्यसभा में जाने से पहले बिकॉज दे आर इन डिटेल वी विल कवर वन मोर टॉपिक दैट इज कि जो अगर प्रेजिडेंट इंटीग्रल पार्ट हैं हमारे पार्लियामेंट के तो उनके फंक्शंस क्या है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द मेनी फंक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट लेकिन पर्टिकुलरली पार्लियामेंट के साथ हमारे क्या है वो भी हम देखते हैं सो द फर्स्ट फंक्शन इज टू समन बोथ हाउसेज ठीक है अब ये जो टर्म्स हैं अभी कुछ टर्म्स आएंगी जस्ट लर्न दिस बट इन द नेक्स्ट लेक्चर इनको हम डिस्कस करेंगे कि इन पर्टिकुलर टर्म्स का मतलब क्या है वट डज दिस पर्टिकुलर टर्म्स मीन ठीक है समन बोथ हाउसेज प्रोरोग बोथ हाउसेज एंड द एड्रेसिंग बोथ द हाउस प्लस डिजोल्विंग द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट इशू ऑर्डिनेंस वेन हाउसेज आर नॉट इन द सेशन ओके सो यह भी आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज किए दोरो

जो प्रेसिडेंट और गवर्नर को पावर देते हैं ऑर्डिनेंस बनाने की ऑर्डिनेंस कब बनाए जाते हैं जब हमारे पास लोकसभा या राज्यसभा दोनों सेशन में राज्यसभा तो कभी डिसॉल्व नहीं होगा यू ऑल्सो नो राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं परमानेंट वी विल डिस्कस दिस बट जब लोकसभा या कोई एक हाउस सेशन में ना हो कोई मीटिंग में ना हो तो कोई ऐसे कोई पर्टिकुलरली इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उस टाइम पे कोई एक, कोई रूल बनाने के लिए उसको हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं तो वो कौन पास कर सकता है प्रेसिडेंट गवर्नर कैन ऑल्सो पास द ऑर्डिनेंस बट

पहले जो हम हाउस पढ़ेंगे दैट इज द राज्यसभा राज्यसभा को हमने पहले भी बोला व्हेन इट कम्स टू द राज्यसभा आप कुछ चीजें ध्यान रखिएगा ये है एक परमानेंट हाउस सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग बट आप समझिए राज्यसभा जो है हमारा दैट इज अ परमानेंट हाउस इसको हम बोलते हैं हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था वी वर टेलिंग इट द काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है बट क्या सिर्फ स्टेट्स को ही रिप्रेजेंट करता है नो एट ऑल्सो रिप्रेजेंट यूनियन टेरिटरीज कम्स टू द राज्यसभा और लोकसभा लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल लेकिन जब हम आ, इसकी बात करते हैं राज्यसभा के वी से द काउंसिल ऑफ स्टेट्स ओके तो क्या काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है कि सिर्फ स्टेट्स को नो no, यूटीज को भी रिप्रेजेंट करता है अब हम पढ़ेंगे कि हर एक पर्टिकुलर अगर स्टेट बात की बात है या यूटी की बात है या नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात है बिकॉज इसमें कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं तो इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है राज्यसभा में व्हाट इज द मेनर ऑफ द इलेक्शन फॉर द पर्टिकुलर थिंग सो अभी हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे सो so सबसे पहली बात कि राज्यसभा है हमारा अपर हाउस रीजन इट इज़ द परमानेंट हाउस ये कभी भी डिजोल्व नहीं होता है ओके okay. इसमें जो आगे कंडीशन है कि कैसे मेंबर्स रिटायर होते हैं क्या होता है वो हम साथ में पढ़ेंगे बट द थिंग इज मेन थिंग वट यू हैव टू रिमेंबर दैट इज द अपर हाउस परमानेंट हाउस ठीक है एंड इसको डिजोल्व नहीं किया जाता है इट रिप्रेजेंट सो दीज आर द थिंग्स अपर हाउस सेकेंड चैम्बर और हाउस ऑफ द एल्डर्स ओके एल्डर्स क्यों बोलेंगे बड़े बिकॉज ये हमेशा परमानेंट होते हैं इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडियन यूनियन परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सो दीज आर द टर्म्स विच वी यूज फॉर आर राज्यसभा राज्यसभा की जो कंपोजिशन फिक्स की गई है 250 पे ओके टू थर्टी इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड ट्वेल्व में प्रेजिडेंट तो यहाँ पे टोटल है कुछ भी चेंज फेर बदल कुछ भी होता है सो आप लोग चेक करते रहिएगा ना वी विल स्टडी की कैसे एक पर्टिकुलर स्टेट से मेंबर बन के कोई राज्यसभा में आता है वट इज द मैनर ऑफ द इलेक्शन सो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब एम एल एज हैं हमारे वो इलेक्ट करेंगे कि हु विल बी द मेंबर ऑफ द राज्यसभा मेथड ऑफ इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल प्रोपोशन हम पढ़ चुके हैं पहले भी कहां पढ़ा है uh, उस टाइम पे भी मैंने आपको दो तीन जगह बताया था कि जहां पे हम ये पर्टिकुलर चीज यूज करते हैं द सीट्स आर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन इस चीज को ध्यान रखिएगा नॉट ऑन एनी अदर थिंग बट सीट्स जो हमारे अलॉट होते हैं राज्यसभा में दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया डज नॉट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स अंदर राज्यसभा वो क्यों क्योंकि अगर हम बात करेंगे यूपी की और बात करेंगे हमारे एचपी की हिमाचल प्रदेश की तो दिन रात का फ़र्क है वहाँ पर पॉपुलेशन का तो अगर हम यूपी को भी पाँच सीट्स देंगे और हम सॉरी अगर हम हिमाचल को चार सीट्स दे रहे हैं एंड हम यूपी को भी चार सीट्स दे रहे हैं तो इट इज़ नॉट द फेयर थिंग बिकॉज वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है चार लोग क्या करेंगे वहाँ पे बट इन केस ऑफ हिमाचल और जैसे हमारा सिक्किम हो गया या छोटे छोटे ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेट्स हैं जहाँ पे कम पॉपुलेशन है वहाँ पे कम सीट्स हैं जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे ज्यादा सीट्स हैं ओके सो इन द यू ऑल स्टेट्स आर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेनेट रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन सो इज वन डिफरेंस यू गॉट दैट सेकेंड डिफरेंस आई थिंक अमेरिका पहले हमने के केस में पढ़ा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर नाउ इट इज द पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द राज्यसभा में तो यूएस में जो है हर एक स्टेट को इक्वल सीट्स दी गई हैं हमारे उनके अपर हाउस में बट हमारे केस में इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन सो दीज आर द पर्टिकुलर पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट विद द हेल्प जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स की हम जब बात करें इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली सॉरी इनडली इलेक्टेड कौन करे दैट इज द इलेक्ट्रल कॉलेज मैथड ऑफ इलेक्शन सेम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरबल बोर्ड अब इसमें चीजें आप देखिए ओनली दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर है इन द राज्यसभा ऐसा क्यों बाकी यूनियन टेरिटरीज में चाहे चंडीगढ़ हो गया दमन एंड दीव हो गया दादर एंड नागर हवेली हो गया इनमें क्यों नहीं है इनमें इसलिए नहीं है बिकॉज इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत ही ज़्यादा कम है ताकि तो उनके लिए एक रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में ज़रूरी नहीं है सो ओनली बिकॉज सीट्स किस बेसिस पे दी जाती है सीट्स दी जाती हैं हमारे पॉपुलेशन के बेसिस पे तो उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है इसलिए इन पर्टिकुलर यूनिट सिर्फ इन तीन यूनियन टेरीटरीज़ को छोड़ के किसी के पास भी राज्यसभा में सीट नहीं है ओके सो द अदर सिक्स यूटीज है राज्यसभा यहाँ पे सिक्स नहीं आएंगे, बिकॉज अभी दो यूटीज हमारी सेम हो चुकी हैं ओके नाउ इट कम्स टू द नॉमिनेटेड मेंबर्स। अच्छा पहले एक चीज सोचिए कि नॉमिनेटेड मेंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी जब वेन वी हैव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज भी आ गई तो हमारे पास नॉमिनेटेड मेम्बर्स की जरूरत क्यों पड़ी तजुर्बा ठीक है कुछ लोग ऐसे होते हैं दे एक्सेल इन मेनी पार्ट्स मान लीजिए एक पर्टिकुलर इंसान है वो आर्ट में इतना अच्छा काम कर रहा है तो वो पॉलिटिकली उतना हो सकता है एक्टिव ना हो ठीक है इफ़ ई इज़ नॉट एक्टिव इन दैन पॉलिटिकली तो अगर वो इलेक्शन के लिए उसको इलेक्शन एंड ऑल इन सब चीज़ों से मतलब भी ना हो ठीक है जनता में उसका नाम हो लेकिन अपने पर्टिकुलर एक स्पेयर uh, में होगा मान लीजिए कोई बहुत अच्छा कर रहा है लिटरेचर में कोई बहुत अच्छा कर रहा है साइंस में ठीक है तो उसका वैसे नाम होगा बट द थिंग इज इट कम्स टू द पॉलिटिकली एक्टिव कितना है वो दैट तो उस एक्सीलेंस का यूज करने के लिए मीन्स उस एक्सीलेंस को एक वैल्यू देने के लिए उस एक्सीलेंस से आपको बहुत चीजें हेल्प हो सकती है सो वी हैव द पावर मीन्स प्रेजिडेंट हैव द पावर टू नॉमिनेट ट्वेल्व मेंबर इन द राज्यसभा okay so this is the 12 members nominated by the president to the rajya sabha from people who have special knowledge or practical experience art literature science and social service next is unlike india american senate has no nominated members so you got three differences here with the uh, with the american wala part so next is the पावर्स वी विल स्टडी पावर्स अब हम यहाँ पे पावर्स वैसे नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वेन वी हैव कवर्ड बाकी का पार्ट तो वी हैव स्टडीड द पावर कि हाँ लोकसभा को एमरजेंसी में क्या रोल है लोकसभा का बाकी चीज़ तो अब वो यहाँ पे वापस डालने के लिए कोई मतलब नहीं बनता बिकॉज just जस्ट रिविजन और उसका कोई मतलब ही नहीं है बिकॉज अब तक आप सबको पता है कि लोकसभा बिल्स कैसे पास करेगी ठीक है हाँ हमें जो करना है दैट इज द टाइप्स ऑफ बिल ठीक है कि बिल कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन सा मनी बिल है फाइनेंस बिल है अमेंडमेंट बिल है दैट्स अ डिफरेंट पार्ट लेकिन उनको पास कैसे किया जाता है लोकसभा के पास कितनी पावर है ये देखो कितने चैप्टर्स में हमने कवर किया था वैन वी हैव कवर द एमरजेंसी वैन वी हैव कवर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैप्टर सो उन पर्टिकुलर चीजों को मैं यहाँ पे नहीं इंक्लूड कर रही हूं बट वी आर आई एम इंक्लूडिंग हेयर टू ऐसी पावर्स जो एक्सक्लूसिवली है हमारे राज्यसभा के पास वैसे ही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वन इज द पावर विद द ऑल इंडिया सर्विसेज एंड वन इज द पावर विद द स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे अगर कुछ आपको पावर पार्लियामेंट को वो बनाना सो आर्टिकल टू फोर्टी नाइन इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट एन्यूमिरेटेड इन द स्टेट लिस्ट सो अभी आपको यहाँ पे याद रखना है टू फोर्टी नाइन आर्टिकल नेक्स्ट इज आर्टिकल थ्री वन टू इट न ऑथोराइज पार्लियमेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस कॉमन टू बोथ सेंटर एंड स्टेट्स अच्छा अब एक चीज देखिए कि इसकी पावर जो हमारे स्टेट लिस्ट की जो पावर है वो हमारी राज्यसभा को ही क्यों दी गई लोकसभा को क्यों नहीं दी गई अगर आप सोचेंगे तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए बार दोबारा से राउ राज्य टर्म डेज काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब किसको रिप्रेजेंट करती है हमारे स्टेट्स को तो इसके साथ जो इसकी अथॉरिटी या मतलब आप इसको बोले कि ऑथेंटिसिटी को जो प्रोटेक्ट करना है स्टेट लेस्ट के सब्जेक्ट तो वो किसके पास होना चाहिए दैट इज द राज्यसभा ओनली ओके सो दिस इज द सेम थोड़ा सा एक नॉर्मल चीज याद रखने के लिए सो आर्टिकल टू बोलता है कि अगर स्टेट लिस्ट में अगर किसी को पार्लियामेंट को कोई लॉ बनाना है तो वो कौन बनाएगा वो बनाएंगे हमारी राज्यसभा के पास पावर है सेकेंड इज आर्टिकल नंबर थ्री जो हमारा है किसके साथ कि न्यू इंडिया न्यू ऑल इंडिया को सर्विस बनानी है नेक्स्ट इज इट चेक्स हिस्ट्री डिफेक्टिव केयरलेस एंड इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन मेड बाय द लोकसभा बाई मेकिंग प्रोविजन ऑफ रिविजन एंड थाट ये ऐसी चीज़ है कि राज्यसभा के पास जब बिल्स आते हैं या पर्टिकुलर लॉ जाता है तो वहाँ पर क्या रोल है कि अगर लोकसभा ने कोई जल्दबाजी में या कुछ गलत डिसीजन लिया है तो वो एक थॉट मिल जाता है इट्स अ री चेकिंग टाइप ओके सो दैट वॉज ऑल अबाउट आर राज्यसभा ठीक है बाकी जो इसका टेन्यूर है क्वालिफिकेशन है हम दोनों का साथ में पढ़ेंगे वैन वी विल कम्प्लीट लोकसभा ऑल्सो सो जस्ट वेट फॉर आई थिंक टू और थ्री स्लाइड्स उसके बाद वी विल इन टू द क्वालिफिकेशन एंड टेन्यूअर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग सो लोकसभा जब राज्यसभा की हमने बात की थी इट वॉज अपर हाउस दिस इज द लोअर हाउस फर्स्ट चैम्बर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल इट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल नॉट अ परमानेंट हाउस कितना टर्म है दैट इज ईयर्स बट देर वॉज वन अमेंडमेंट जिसने इयर्स कर दिया था और उसके बाद वापस ये फाइव ईयर्स आया था वो हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में ओके सो दिस इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इसको हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है है ठीक सो so, इसका जो कम्पोजिशन हमने जब स्टार्टिंग में सेवेंटी टू किया था तो आर्टिकल हमने कंपोजिशन पढ़ा था एटी बात करता है लोकसभा की कंपोजिशन का मैक्सम स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की दैट इज फाइव और टोटल हमने देखा फाइव और ट्वेंटी Uh, और दो हमारे होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बट 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 अब ये रिमूव हो चुका है ठीक है दिस पार्ट इज़ रिमूव्ड सो द रिजर्वेशन फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के साथ दो अमेंडमेंट्स हैं वन इज नाइन्टी फिफ्थ एंड सेकंड इज वन जीरो फोर्थ नाइन्टी फिफ्थ अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि ये आई थी टू थाउजेंड नाइन में एंग्लो इंडियन का जो कंसेप्ट है इसको एप्लीकेबल किया गया था ट्वेंटी ट्वेंटी तक देन केम द वन जीरो फोर्थ अमेंडमेंट जिसने इस पर्टिकुलर चीज को हटा दिया सो इन द प्रेजेंट थिंग अब हमारे पास कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मेंबर नहीं है पार्ट सो दिस इज पार्ट रिमूव सो आपको दो अमेंडमेंट्स यहां पे याद रखनी है दैट इज नाइन्टी फिफ्थ एंड वन जीरो फोर्थ अमेंडमेंट नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इसमें तो हमें पता है लोकसभा के टाइम पे वी हैव द डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसिस इन द स्टेट कॉन्स्टिट्य का मतलब क्या होता है एक स्टेट है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सो दिस इज वन कॉन्स्टिट्यूसी सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्थ सेवन्थ हाँ अब इसके साथ चीज़ें क्या होता है कि सॉल द पॉपुलेशन कि लास्ट में जो परसेंटेज आए ऐसा नहीं होना कि यहाँ पे 2000 लोग हैं यहाँ पे 20 लोग हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन में नो द पॉपुलेशन इज टेकन केयर ऑफ

नेक्स्ट इज नॉम नॉमिनेटेड मेम्बर का जब हमने कंसेप्ट था दैट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का इसमें वो हमने देख लिया नाइन्टी फिफ्थ अमेन्डमेंट एंड वन जीरो फोर्थ अमेंडमेंट ये दोनों से लिंक थे बट एट प्रेजेंट वी हैव नो एनी नो एनी एंग्लो इंडियन मेंबर इन दैट

तो जब बात आती है राज्यसभा की तो टेन योर है हमारा सिक्स ईयर्स लोकसभा का क्या है फाइव ईयर्स वन थर्ड ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी टू ईयर्स परमानेंट हाउस है रिटायरमेंट होती है ऐसे दो साल में वन बाय थर्ड मेंबर्स जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे ठीक है लेकिन वो अपनी मेंबरशिप के लिए दोबारा से इलेक्शन लड़ सकते हैं देन इट्स कम द लोकसभा द नॉर्मल टर्म इज फाइव ईयर्स बट द प्रेजिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये हमने कवर कर लिया था पिछले लेक्चर में मे डिजोल्व इट बिफोर द एक्सपायरी फॉर फाइव ईयर्स इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी द टर्म एट एक्सटेंडेड फॉर अ वन ईयर एट अ टाइम अब ये कौन से एमरजेंसी में है ये भी आपको ध्यान आ जाना चाहिए ओके okay? बिकॉज हमने जब एमरजेंसी चैप्टर किया था वी हैव डिस्कस इट इन डिटेल कि लोकसभा के टाइम पे एक चीज ऐसी है जो पर्टिकुलरली इंक्रीज किया जाता है टेन्योर एंड दिस इज द ओनली वे वेन द टेन्योर इज इंक्रीज ओके सो दैट इज इन द एमरजेंसी केस ओके सॉरी यहां पे अब है हमारी दो अमेंडमेंट्स दैट इज रिलेटेड टू द लोकसभा का टेन्योर ही वन इज फोर्टी सेकेंड ये अमेंडमेंट्स आपके पास बार बार आएंगी अभी तक आप ही खुद बहुत बार पढ़ चुके होंगे फोर्टी सेकंड कॉन्स्टमेंट नाइन सेवन इंक्रीज द टेन्यूर ऑफ लोकसभा टू सिक्स ईयर कौन इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर था अगर आपको ये याद है देन यू कैन मे बी फिगर आउट की क्यों ऐसा किया गया था फोर्टी फिथ फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन एट स्टेटस दिस इज दर्टिक्यूलियसली एग्जिटिंग स्टेट ऑफ ये इसका मीनिंग है प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफियर सी इस पर्टिकुलर टर्म मैं डायरेक्टली आपको ये लिख सकती थी कि आपको ये सब चीज़ बहुत यूज में आएंगी कि इस पर्टिकुलर टर्म को बिकॉज जब आप आंसर लिखते हैं सो तो और तो कुछ नहीं बट ये चीजें थोड़ी सी आपके आंसर इफेक्टिव बनाते हैं फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी एट ने वापस से लोकसभा की जो टेन uh, है उसमें कर दिया था. का जो है वो भी था, जब हमने किया था, तब भी पढ़ा था चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा लोकसभा केस में स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है एंड आर्टिकल कौन सा एसोसिएटेड है दैट इज आर्टिकल नंबर नाइनटी ओके सो अभी हम यहाँ पे देखेंगे डिस्कालीफिकेशन तो डिस्कालिफिकेशन के लिए द सेम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सेकंड इज अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड टू डिक्लेयर बाय अ कोर्ट थर्ड इज अनु नॉटीजन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट अब इसके साथ आपको एक चीज इसमें ऐड करनी है दैट इज टेंथ शेड्यूल तो जब हमने टेंथ शेड्यूल देखा था हमने देखा था लोकसभा में किसके पास पावर है स्पीकर के पास पावर सो अगर टेंथ शेड्यूल नहीं है मींस एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है तो जो पावर जाएगी किसके पास जाएगी जो हमारी पावर जाती है दैट इज विथ अ प्रेसिडेंट सो डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट इज फाइनल ऑन द क्वेश्चन whether मेंबर इज सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द अबव डिसक्वालीफिकेशन प्रेसिडेंट शुड ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ किसका इलेक्शन कमीशन का जब 10 शेड्यूल की बात आएगी द पावर rests with आवर स्पीकर ठीक है जब एंटीडिफेक्शन लॉ की बात आएगी तो पावर किसके पास है हमारे स्पीकर के पास बट वैन इट कम्स टू दीज अदर डिसक्लिफिकेशन तो पावर चली जाती है हमारे प्रेजिडेंट के पास विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन नाउ एक छोटी सी वो देखते हैं कि वट आर द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट वैसे अभी तक यू आर वेरी मच क्लियर रिविजन सो लेजिस्लेटिव फंक्शन ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द यूनियन लिस्ट ये आपको पता है अलॉन्ग विद स्टेट लेजिस्लेचर द पार्लियामेंट इज इम्पावर टू मेक लॉज ऑन द कैन करेंट लिस्ट प्लस अगर स्टेट लिस्ट पर बनाना होगा तो वी हैव स्टडीड वन आर्टिकल अब वो आपको रिवाइज करना है कि वो आर्टिकल कौन सा था जिसमें जब हमने राज्यसभा एक एक के एक्सक्लूसिव पावर्स इंडिया एक है कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक मनी द बजट इज द पार्लियामेंट एवरी ईयर ठीक है एंड नेक्स्ट इज पावर ऑफ रिमूवल इट कैन रिमूव द प्रेजिडेंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट थ्रू इंपीचमेंट for violation of the constitution एक चीज़ ध्यान रखिएगा. impeachment जो हमारे पास term है, that is only used for the president बाकियों के लिए we use the removal word okay amendment of the constitution most of the part of the constitution can be amended by the parliament by special majority lekin ek cheez yahan pe bhi hum yaad rakhenge ki basic structure of constitution ko nahi chheda jayega and i think ye cheez hum bahut detail mein already cover kar chuke hain

या दस है ठीक है तो कल बारह हो सकती है या किसी एक्स रेट के पास आज बाईस है कल को हो सकता है चौबीस हो सकती है ठीक है सो ये चीज भी होगी उसका डिवाइड टेरिटोरियल भी क्योंकि विद द पॉपुलेशन हमारे पास क्राइटेरिया क्या है दैट इज आर पॉपुलेशन ओके सो एटी सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड थ्री प्रोवाइड फॉर द डेलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टू थाउजेंड वन सेंसिस ठीक है तो जो 87th Constitutional Amendment 2003 में में आई थी थी उसने एक बात बोली कि कि अब जो जो है वो होगा ओके मैंने आपको बोला था कि कुछ terms होती हैं यूज की जाती है तो दो टर्म्स अभी हम देखेंगे one is pro speaker and one is whip. इन दोनों का मतलब क्या है वो भी हम देखते हैं सो इट इज अटिन फ्रेज विच ट्रांसलेट्स फॉर अ टाइमबिंग टाइमिंग मतलब टेम्पर फेज के लिए सो द प्रोटेम स्पीकर इज अ टेम्पररी स्पीकर अपॉइंटेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी मान लीजिए एक लोकसभा का टेन्योर अभी कंप्लीट हो गया मतलब स्पीकर भी निकल गया अब अगली लोकसभा आएगी उसका एक नया स्पीकर बनेगा लेकिन उस नए स्पीकर बनने से पहले जो स्पीकर बनेगा वो भी तो एक सेशन में ही बनेगा तो उस पर्टिकुलर सेशन के लिए जो स्पीकर होगा उसको एक सेशन के लिए या दो सेशन के लिए जब तक वो नया स्पीकर नए सेशन का स्पीकर नहीं हम बनाते हैं उस पर्टिकुलर सेशन के लिए जो हेड होगा जब तक ओरिजिनल जो हमने एक अपॉइंट करना है बेसिकली पाँच ईयर के सेशन के लिए जो स्पीकर अपॉइंट होगा उस अपॉइंटमेंट के पहले जो पहला या दूसरा सेशन होगा उसके लिए हमें एक स्पीकर चाहिए तो वो कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एंड उनको बोला जाता है प्रोटेम स्पीकर बिकॉज इज फॉर वन और टू सेशन जैसे ही स्पीकर को अपॉइंट कर देंगे तो ये पर्टिकुलर जो होंगे वो हट जाएंगे एंड जो जो अपॉइंटेड स्पीकर हैं ही टेक द चेयर So here's the Speaker of the Lok Sabha, Legislative Assembly, vacates the office immediately before the first meeting of the newly elected House. Okay? Then hence President Gowda appoints the Pro Speaker to preside over the settings of the House, jab tak hum ek speaker kar sakte. Then the next is Whip. It found mention neither in the Constitution of India nor in the rules of the House nor in the Parliament session. He is assigned responsibilities. Whip. ठीक है इंश्योरिंग द अटेंडेंस सिक्योरिंग देयर सपोर्ट रेगुलेट्स एंड मॉनिटर्स मान लीजिए कोई बिल है ठीक है आपने एक पार्टी हर एक पार्टी का अपना विप होता है एक पार्लियामेंट के भी चीफ होते हैं वो कौन होता है अभी हमने क्वेश्चन में हमने इंक्लूड किया हुआ है वो ओके okay? सो so, अगर एक पार्टी का मान लीजिए एक पर्टिकुलर पार्टी का एक विप है वो क्या करेगा पहले तो देखेगा अटेंडेंस दूसरी चीज आपने किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं करना है किसके लिए वोट करना है हील गाइड ठीक है उसके बाद अगर कोई अगेंस्ट जाता है देन वी हैव द एंटी डिफेक्शन लॉ या बाकी चीजें ये हम कवर कर चुके हैं वेन वी हैव स्टडीड द देंथ शेड्यूल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन नाउ लेट्स सी आर क्वेश्चंस। आई थिंक विप क्लियर विद यू सिक्योरिंग द सपोर्ट फेवर और अगेंस्ट तो ये बता देगा खुद से तो नहीं बताएगा बट ऑफकोर्स इट इज द डिस्कशन ऑफ द हाई अथॉरिटीज ऑफ द पर्टिकुलर पार्टी उसके बाद वो बता देगा सबको कि नो यू हैव टू वोट इन दिस टाइम आपको फेवर में जाना है अगेंस्ट में जाना है सो दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर ऑर्डर सो लेट सी द क्वेश्चन अभी हमने दोनों हाउसेज प्रेजिडेंट के फंक्शन पार्लियामेंट के फंक्शन कंप्लीट किया है सो आई थिंक यू आर डन विद दिस पर्टिकुलर पार्ट डू रिवाइज दिस सो so, पहला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द राज्यसभा सो इट इज स्पेसिफिक अबाउट द नॉमिनेशन ओके क्राइटेरिया फॉर देयर नॉमिनेशन इंक्लूड्स आर्ट लिटरेचर साइंस एंड सोशल सर्विस जब हमने किया था सो यस दिस इज करेक्ट ठीक है तो सी निकल गया दे आर नॉट एंटाइटल टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट अब इसमें आपको याद आना चाहिए कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पे कौन कौन इलेक्ट्रल कॉलेज का मेंबर होता है नहीं होता है सो व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन सब कुछ आपको याद आ जाए गलत है दे आर फाइलिंग इज इट्स अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफल एक्ट नाइनटीन फिफ्टी दिस इज करेक्ट आंसर विल नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द स्पीकर प्रोटेम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हि और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो दिस इज करेक्ट अभी हमने दो मिनट पहले किया और शी प्रोसाइड ओवर द लेम द पार्लियामेंट सो अभी आपने ये नहीं करा है बट दिस इज रॉन्ग ओके अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा इज अपंटेड एज द स्पीकर ऑफ प्रोटेम ऐसा कुछ भी नहीं है पहले बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है ठीक है सो which ऑफ द स्टेटमेंट इज above इज आर करेक्ट सो दिस इज थिंग वट इज दिस लेमक सेशन ये हम कंप्लीट करेंगे जब हम सेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट इज

नेक्स्ट इज अ डीलिमिटेशन कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सो जब हमने एक्ट किया तो हमने देखा था कि सबसे पहले कब हमने देखा था देट इज नाइनटीन फिफ्टी टू में देन द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एम्पावर्ड टू डिटर्मिन दथॉरिटी ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन सो इज इट प्रेजिडेंट नो इट इज कॉन पार्लियामेंट सो सेकंड इज रॉन्ग

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्लियामेंट का जो मेन जो चीफ विप होगा वो कौन होगा सो दैट विल बी अ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो अब ध्यान रखना बिकॉज जब आप ऐसा कुछ देखेंगे ना तो मोस्ट ऑफ पीपल विल मार्क आंसर बी अ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर क्योंकि चीफ विप की बात है वो बोलगा जब सब मेंबर्स को ये नॉमिनेट करे तो मे बी प्राइम मिनिस्टर करेंगे बट नहीं द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स जो होंगे वही वह हमारे चीफ विप होंगे गवर्नमेंट के सो आंसर विल बी डी नेक्स्ट इज For a person to be chosen as a member of the Rajya Sabha, which of the following qualifications he or she must have as mentioned in the constitution? So, he or she must be a member of Schedule Ka, Schedule Tribe in any state to consider a seat reserved for them. Okay. So, this is I member of a Schedule Ka. It's not a for the specific uh, any state.

और कुछ टर्म्स सिर्फ दो टर्म्स दैट इज प्रोटम एंड द और हमारी दूसरी टर्म थी वेब ओके सो अभी आप इसको रिवाइज कीजिए बिकॉज अभी आपने सुना दिस इज द लेक्चर विल बी ऑफ आई विली फाइव फोर्टी मिनट्स बट द थिंग इज वेन यू विल सी दिस यू विल रिवाइज दिस इट विल बी अ मैटर ऑफ ओनली टेन मिनट्स ओके सो अभी द पॉइंट इज टू रिवाइज दिस एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आप देखिए अगर आपके फैक्ट्स क्लियर नहीं हैं तो आपको पास आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे चीव विप की बात इज वेरी छोटा सा विप अब मे भी हो सकता है अभी मेरे पढ़ाने से पहले भी आप लोगों को विप पता होगा बट चीफ विप कौन होगा मे बी आप नहीं जानते हैं ठीक है तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बोले कि जो प्राइम मिनिस्टर वाला ऑप्शन है मैक्सिमम लोग को करेक्ट करके आए बिकॉज ऐसा हुआ है ऑलरेडी इन वन टेस्ट जब हम कंडक्ट कर रहे थे सो इट वॉज़ लाइक कि लोगों ने चीफ विप मेम्बर अपॉइंट बाय द प्राइम मिनिस्टर को ही उसमें डाल दिया क्योंकि पार्टी का अगर उसने बोला कि अगर कोई सीनियर अथॉरिटी करेगी तो मे भी

Uh, do revise this now. In the next session, we will do the other parts of the parliament. Most probably, in the next session, we will cover the sessions of the parliament, motions of the parliament, these things. So, thank you so much. Uh, hope you like this lecture.